सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको मैक्रम का एडवांस नॉट और बेसिक नॉट बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो बिगनर्स हैं उनकी ये प्रॉब्लम है कि उनको मैक्रम के बारे में कुछ नहीं मालूम है कि कैसे उसको बनाना है, क्योंकि क्या होता है कि प्रोजेक्ट जब बनता है तो जल्दी जल्दी में बनता है, लोग समझ नहीं पाते हैं जो बिगनर्स हैं, तो उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है। पहले मैंने इसमें 11 स्टेप बताया है जिसमें मैंने यहाँ पे कॉर्ड को ज्वाइंट करना फर्स्ट, सेकेंड हो गया कॉर्ड को कैसे हम कट करेंगे, थर्ड हो गया कॉर्ड को कैसे हमको सारे कॉर्ड को एक कॉर्ड इयररिंग में अटैच करना है, फोर्थ सिंपल स्क्वायर नॉट कैसे लगाना है, फिफ्थ बीट्स के साथ में कैसे नॉट लगाना है, डिजाइन बनाना है, सिक्स्थ स्टेप है बेल्ट लगाना, सेवेंथ स्टेप है पाइपिंग कैसे करना है, एट्थ स्टेप है ये इस तरह का फ्लावर पाइपिंग का डिजाइन कैसे बनाना है, नाइन्थ स्टेप हो गया इस तरह का फ्लावर पाइपिंग फ्लावर पैटर्न कैसे बनाना है, और टेंथ हो गया स्पाइरल मूव्स कैसे लगाना है इस तरह का स्पाइरल घुमा हुआ डिजाइन, और इलेवेंथ हो गया इसको तिरछे में कटिंग कैसे करना है। ये मैंने कुछ बेसिक चीज जो है उसका वीडियो मैंने डाला है, आपके लिए ये बहुत यूजफुल होगा, जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत यूजफुल वीडियो है, आप जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर मेरे वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बेसिक और एडवांस्ड मैक्रम नॉट को सीखना। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्टली मैं आपको बताऊंगी, मेरे जो बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं कि कॉर्ड को कैसे जोड़ना है और दो कॉर्ड को अगर हम जोड़ेंगे तो वो खुलेगा तो नहीं, टूट तो नहीं जाएगा, तो फर्स्ट चीज मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू ज्वाइन टू मैक्रम कॉर्ड्स। ये दो छोटे छोटे कॉर्ड है आप देख रहे हैं, लाइटर लेंगे, लाइटर सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप कैंडल या कोई भी और जलने वाली चीज से आप अगर इसको जोड़िएगा तो यहाँ पे क्या होता है उसका धुआं लग के काला काला हो जाता है। अगर लाइटर नहीं है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मैक्रम का कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो लाइटर 10 से 20 रुपए में देता है, इसके लिए आपको ज्यादा भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा और इजी मेथड रहता है लाइटर। तो हम लाइटर से आराम से जब चाहें इसको हम जला सकते हैं, बुझा सकते हैं, और कैंडल में होता है क्या है, माचिस लगाओ फिर कैंडल जलाओ या कोई भी चीज जलाने के लिए हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, पर इसके लिए हमको लाइटर सबसे अच्छा रहता है, सबसे कम खर्च में सब बहुत ही बेस्ट है। अब हम दो कॉर्ड लेंगे मैक्रम का, जहां से आपका कॉर्ड खत्म हो गया, ऐसे मान लीजिए कोई कॉर्ड खत्म हो गया तो हमें दो कॉर्ड को जोड़ना है, तो दो कॉर्ड को हम जिसको हमको जोड़ना है उस पॉइंट को हम इस तरह से रखेंगे, लाइटर ऑन करेंगे और लाइटर का जो ऊपर के भाग पे नहीं नीचे के भाग में हम इसको इस तरह से हल्का मेल्ट करेंगे, बिल्कुल हल्का, ज्यादा सा नहीं करेंगे, हल्का सा मेल्ट करना है। अब इसको हमको दबा लेना है और दबाने के बाद एक बार ऐसे गोल घुमा देना है, गोल घुमाने से ये होगा फ्रेंड्स कि हम जो मैक्रम का कोई भी चीज बनाएंगे तो हमारा जो डिजाइन है वो अटकेगा नहीं, गोल करने से ये रहता है। अब फिर इसमें हम एक और कॉर्ड को जोड़ लेंगे, सेम चिपका करके और ऐसे गोल गोल घुमा देना है, प्रेस करते हुए हमको इसको, ये जो हम गोल घुमाएंगे तो बिल्कुल प्रेस करते हुए, तो ये आराम से ये कॉर्ड है आपस में जुड़ गया। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे फोर कॉर्ड को मैंने जोड़ लिया है, चार कॉर्ड को मैंने जोड़ा है, और ये जो ज्वाइंट है आप जो डिजाइन बनाइएगा तो फिर वो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। अब ये कॉर्ड को ज्वाइंट करना हो गया, अब सेकेंड बारी आती है कॉर्ड को काटने की,
सेकेंड फ्रेंड्स स्टेप है कि कॉर्ड को कट करना। तो कॉर्ड को हम मीटर में कट करते हैं, मैं आपको अक्सर बताती हूँ 1 मीटर, 2 मीटर, 80 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से कैसे होगा, तो ये जो मेरा एक ये है, इससे मैं 3 बार इसको मापूंगी तो वो 1/2 मीटर हो जाएगा। 1, 2, 3, ये इतना दूर 1/2 मीटर का कॉर्ड हो गया। अब हम इसको डबल कर लेंगे तो ये 1 मीटर का ये एक कॉर्ड हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 1 मीटर का एक कॉर्ड हो गया। अगर हमको इसको 2 मीटर करना है तो ये 1 मीटर को इधर कर लेंगे और इसका हम डबल कर लेंगे तो ये 2 मीटर हो जाएगा। बस सिंपल सा स्टेप है, कॉर्ड लेंगे, आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं। अगर आपका हाथ का ये थोड़ा सा छोटा है तो थोड़ा सा बढ़ा लें आप। ये देखिए, ये 1, 2, 3, ये 1/2 मीटर हो गया। इसका हम डबल कर लेंगे तो ये 1 मीटर हो जाएगा। इसी हिसाब से हम, अब जैसे 1 मीटर है तो 1 मीटर पे हम इसको काट लेंगे। 2 मीटर करना है तो इसको हम डबल कर लेंगे। कॉर्ड मेजरिंग को हम मैं इसी तरह से मेजर करती हूँ। सबसे सिंपल और इजी स्टेप है कॉर्ड को मेजर करने का। अब दूसरा स्टेप मैं आपको बता रही हूँ इसके लिए। अब यहाँ पे अब कॉर्ड कट हो गया। अब होता है कि कॉर्ड को किसी दूसरे कॉर्ड में, ढेर सारे कॉर्ड को किसी दूसरे कॉर्ड में कैसे अटैच करना है, इसके लिए हम यहाँ पे ऐसे मान लीजिए कि ये मेरा 80 सेंटीमीटर का कॉर्ड है, तो इसके जो 2 पॉइंट है इसको हम बराबर कर लेंगे और इसका जो बंद भाग है उसको जो हमको जिस कॉर्ड पे या जिस रिंग में अटैच करना है उसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे और नीचे से ले जा करके ऐसे निकाल देंगे। या फिर एक और स्टेप है, ऐसे बंद भाग को ऊपर रखेंगे ऊपर से और इस तरह से बंद भाग को ऊपर रख करके और इस तरह से खींच लेंगे। इस तरह से सारा कॉर्ड जो है वो अटैच हो गया। अब फ्रेंड्स, अब बारी है बेसिक नॉट की। मैक्रम का जो बेस है, मैक्रम का जो बेस है कॉर्ड अटैच करने के बाद, वो होता है नॉट लगाना। नॉट मींस गांठ लगाना। तो गांठ लगाने के लिए हमको 4 कॉर्ड की जरूरत पड़ती है बेसिक गांठ लगाने के। ऐसे बहुत सारे तरह का गांठ होता है लेकिन बेसिक गांठ से जो हमारा, बेसिक नॉट से जो हमारा मैक्रम तैयार होता है डिजाइन, वो है 4 कॉर्ड। तो हमने 2 अलग-अलग कॉर्ड को अटैच किया इस तरह से। अब यहाँ पे 4 कॉर्ड है, 1, 2, 3, 4। अब सेकेंड और थर्ड नंबर का कॉर्ड, ये बीच का जो 2 कॉर्ड है, गांठ भी बहुत तरीके से लोग लगाते हैं, सभी का अपना अपना स्टाइल है गांठ लगाने का। पर सबसे इजी मेथड जो है वो है, पहले हम लेफ्ट साइड बाएं वाले कॉर्ड को ये दोनों कॉर्ड के ऊपर रखेंगे और दाएं वाले कॉर्ड को हम ऊपर की तरफ ले आएंगे। इसको थोड़ा सा, बीच वाले दोनों कॉर्ड को थोड़ा सा उठाएंगे हम, और ये जो दाएं वाले कॉर्ड को हमने ऊपर लाया था इसको हम यहां से नीचे की तरफ से निकालेंगे। नीचे की तरफ से निकाल करके अब यहाँ पे दोनों कॉर्ड को खींच लेंगे, दोनों साइड वाले कॉर्ड को। बीच वाले कॉर्ड को कुछ नहीं करना है, साइड वाले कॉर्ड को खींच लेंगे। अब दाएं वाला जो दाएं की तरफ जो कॉर्ड निकला है, राइट हैंड साइड जो कॉर्ड निकला है, अब उसको हम इस तरह से करेंगे। और अब इधर बायां वाला जो कॉर्ड है, लेफ्ट हैंड साइड का कॉर्ड, उसको हम यहां से अंदर की तरफ से निकालेंगे। ये देखिए, इसको हम यहां
अंदर से निकाल करके और खींच दिए तो ये एक गांठ लग गया, और इसी गांठ से पूरा मैक्रम का आइटम बनता है। अब इसको सेम प्रोसेस रहेगा, अब फिर दाएं तरफ बाएं तरफ वाले कॉर्ड को ऊपर कर लेंगे और दाएं तरफ वाले कॉर्ड को ऊपर से करके और अंदर से ये कॉर्ड के अंदर से ऐसे खींच लेंगे, ऐसे खींच लेना है। अब दाएं तरफ जो कॉर्ड है उसको ऐसे ऊपर कर लेंगे, बाएं तरफ का कॉर्ड ऊपर रहेगा और इस एरिया से बाएं वाले कॉर्ड को हम निकाल लेंगे। अब फिर से सेम प्रोसेस रहेगा, दाएं वाले कॉर्ड को ऊपर करेंगे, बाएं वाले कॉर्ड को ऊपर कर दाएं वाले कॉर्ड को अंदर की तरफ से निकाल लेंगे। अब फिर इधर वाले कॉर्ड को ऊपर करेंगे और इधर से ऐसे निकाल लेंगे। फिर से अब बाएं वाले कॉर्ड को ऊपर कर दाएं वाले कॉर्ड को इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब दाएं वाले कॉर्ड को के अंदर से हम बाएं वाले कॉर्ड को निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये मैंने आपको बेसिक मैक्रम नॉट कैसे लगाना है वो मैंने दिखाया है, बेसिक मैक्रम नॉट। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कि मोती के साथ नॉट कैसे लगाना है, तो उसके लिए भी हमको चार कॉर्ड की जरूरत होती है। तो हम दोनों तरफ के साइड साइड का कॉर्ड छोड़ देंगे और बीच का जो कॉर्ड है, बीच का दो कॉर्ड लेंगे और इसमें छोटा बड़ा कोई सा भी मोती आप लें और उसको डाल दें, एक मोती, उसके सेम नॉट लगा लेंगे, बाएं वाले कॉर्ड को ऊपर कर लेंगे, दाएं वाले कॉर्ड को इधर ऊपर कर लेंगे और अब दाएं वाले कॉर्ड को बाएं की तरफ निकाल करके और खींच लेंगे। अब सेम प्रोसेस हम दाएं कॉर्ड से करेंगे, दाएं कॉर्ड को हम ऐसे निकालेंगे इधर से, तो ये एक नॉट हो गया। अब फिर से बीच का दो कॉर्ड लेंगे और इसमें एक मोती, मोती के साथ कैसे लगाना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। दाएं बाएं वाले कॉर्ड को ऊपर, दाएं वाले कॉर्ड को बाएं तरफ निकाल लेना है, खींच लेना है टाइट से। अब दाएं कॉर्ड को बीच के ऊपर रखकर बाएं वाले कॉर्ड को दाएं तरफ निकाल लेना है। फिर से अब बेल्स मैं आपको इसी में दिखा हूं कि इसमें बेल्स कैसे लगाना है। बेल्स लगाने के लिए जैसे यहाँ कोई भी डिजाइन बन गया और जब मैं इसमें बोलती हूँ कि बेल्स लगाना है तो बेल्स कैसे लगाना है, कटिंग कर लेना है कॉर्ड को इस तरह से, जैसे भी हो, तिरछा हो या एक समान हो, जैसे भी आपको बेल्स लगाना है। इसके लिए हमको दो कॉर्ड की जरूरत पड़ती है, दो कॉर्ड की। अब हम इसमें बेल्स लगाएंगे, बेल्स लगाने के लिए दो कॉर्ड की जरूरत पड़ती है, तो एक कॉर्ड में हम बेल्स लगाएंगे और एक कॉर्ड को खाली छोड़ेंगे। अब इसके जो कॉर्नर का पॉइंट है उसको मेल्ट करेंगे अच्छे से और इसको आपस में चिपकाएंगे और ऐसे गोल घुमाएंगे दबा करके, तो ये बेल्स लग जाएगा और बेल्स से लगेगा तो ये ऐसे ही गोल गोल रहेगा। एक कॉर्ड में हम इस तरह से बेल्स लगा लेंगे
चिपका लेंगे, घुमा लेंगे। तो इस तरह से कॉर्ड में बेल्स इसी तरह से लगता है बहुत इजीली। और इस तरह से लगाइएगा बेल्स, गोल गोल से घुमा दीजिएगा, तो ऐसे ये गोल गोल बना रहेगा और ये डिजाइन देखने में सुंदर लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि पाइपिन करना किसे कहते हैं। पाइपिन कॉर्ड पे जो आपको मैक्रम जब आप बनाते होंगे तो उसमें आपको सुनने को मिलता होगा कि पाइपिन करना है। पाइपिन करने के लिए एक कॉर्ड के ऊपर बाकी जितने कॉर्ड को कहा जाता है उस कॉर्ड को हमको इसमें लपेटना होता है। तो जैसे कि हमको इस कॉर्ड में पाइपिन करना है तिरछा, तिरछा पाइपिन करना है, तो इसके लिए ऊपर का एक कॉर्ड हम लेंगे। अब बारी बारी से एक एक कॉर्ड को इसके ऊपर हम लपेटते जाएंगे। लपेटना कैसे है, कैसे है? देख लीजिए, ये नीचे का ये कॉर्ड जो है ऊपर का, ये ऊपर से आया और बाकी सारा कॉर्ड नीचे रहेगा। इस कॉर्ड के नीचे ये होल्डिंग कॉर्ड है, तो होल्डिंग कॉर्ड के नीचे सारा वर्किंग कॉर्ड रहेगा और वर्किंग कॉर्ड को हम होल्डिंग कॉर्ड के ऊपर से इधर से निकालेंगे, एक बार करेंगे और फिर सेम प्रोसेस से दो बार टाइट से खींच लेंगे, तो ये एक कॉर्ड पाइपिंग हो गया। अब फिर दूसरे कॉर्ड को सेम टाइट कर्लिंग खींच लेंगे, फिर से हम ऊपर की तरफ से निकाल लेंगे, सेकेंड कॉर्ड पाइपिंग हो गया। फिर थर्ड कॉर्ड देखिए, ऊपर से निकालेंगे, थर्ड कॉर्ड हो गया। फिर फोर्थ कॉर्ड देखिए, फोर्थ हो गया। और फिफ्थ सेम ऊपर से हम निकाल लेंगे, तो ये था फ्रेंड्स ये पाइपिंग करना। बहुत इजी है, एक बार और देख लीजिए। जैसे फिर से अगर हमको इसको पाइपिंग करना हो तो यहाँ पे देखिए, ऊपर का एक कॉर्ड लेंगे, इसके ऊपर सारे कॉर्ड को पाइपिंग करेंगे। पाइपिंग करने का बस तरीका देखिएगा, ऊपर की तरफ से हम निकाल रहे हैं, नीचे कॉर्ड तो नीचे है, ऊपर की तरफ से हम इसको इस तरफ निकाल रहे हैं। ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, पाइपिंग करने में आपने एक बार ध्यान दिया होगा कि यहाँ से जो कॉर्ड चलता है वो वैसे ही रहता है और उसके ऊपर बस ये सारा कॉर्ड को हम इस तरह से लपेटते जाते हैं और इस तरह से पाइपिंग ये हो जाता है। तो ये था पाइपिंग करना। अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैं एक और आपको पाइपिंग सिखाती हूँ, फ्लावर पाइपिंग, जिसमें हम इस तरह से गोल वाला डिजाइन बनाते हैं, ये गोल वाला। तो उसके लिए सेम करना है, उसके लिए हमको मोती चाहिए, तो ऊपर का एक कॉर्ड लेंगे, इसके ऊपर सारे कॉर्ड को ऐसे ही तिरछा हम पाइपिंग कर लेते हैं। मैं आपको एक सैंपल बता रही हूँ, वैसे ही आप अपने डिजाइन में पाइपिंग करिएगा। सेम है, ऊपर की तरफ से निकालना है हमको दो बार,
इस तरह से। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पे साइड में दो कॉर्ड है, एक ऊपर से कॉर्ड आया है और यहाँ का ये फर्स्ट कॉर्ड, तो फर्स्ट कॉर्ड लेंगे, इसको हम पहले बाहर की तरफ, ये इधर है तो कॉर्ड को हम इधर निकालेंगे और इधर निकाल करके हम पाइपिंग करेंगे। देखिए कैसे ऊपर से इधर ऐसे कर लिए। अब ये वाला कॉर्ड, ऊपर वाला होल्डिंग कॉर्ड ऐसे ही रहेगा। अब फिर से इस, अब ये जो एक बार जो हमने कॉर्ड को पाइपिंग किया, इस कॉर्ड को हम अंदर की तरफ इस तरफ निकाल लेंगे और फिर से हम इसको इस तरह से निकाल कर खींच लेंगे। तो ये दो बार हो गया, अब ये कॉर्ड ऐसा ही रहेगा, फिर से ये कॉर्ड जाएगा बाहर की तरफ और फिर से अब हम इस तरह से ऊपर से इसको निकालेंगे। तो ये तीन बार हो गया, अब फिर इसको हम अंदर की तरफ कर लेंगे। फिर से खींच लिए, ये कॉर्ड ऐसे ही रहेगा, बस हाथ चेंज होगा। फिर से इसको हम बाहर की तरफ करके ऊपर से निकाल करके और इस तरह से इसको बाहर ही छोड़ देंगे, अंदर छोड़ना नहीं है, बाहर छोड़ करके इसको फिनिश करना है। अब यहाँ का जो फर्स्ट कॉर्ड है उसमें हम एक मोती लगा लेते हैं। अब इस कॉर्ड में यहाँ ये आगे लंबाई तक बढ़ गया है, तो उसका कारण ये है कि हम यहाँ पे इस तरह से गोल बनाते हैं, तो गोल बनाने के लिए डिजाइन चाहिए, तो इसलिए ये यहाँ पे ये 5 times देते हैं, 5, 7 जितना बार कहा जाए उतना बार आप उसको आगे पीछे ऊपर नीचे इधर उधर करके निकाल लें। अब सारे कॉर्ड को हम इस तरह से पाइपिंग करेंगे, ज्यादा से कम करते हुए हाथ को इस पोजीशन पे रखेंगे और पाइपिंग करना स्टार्ट करेंगे। टाइट कर लेंगे, फिर से पाइपिंग, फिर से ये कॉर्ड ऐसे ही रहेगा, इस तरह से ये एक ब्लॉक बन गया। अब अगर दूसरा ब्लॉक बनाना हो तो सेम इसी वाले कॉर्ड को हम इधर घुमा लेते हैं और सारे कॉर्ड को पाइपिंग कर लेंगे, सेम जैसे हम पाइपिंग करते हैं, टाइटली पाइपिंग करिए, तो उससे जैसे यहाँ पे कॉर्ड कम पड़ गया है तो हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉर्ड अटैच कर लेंगे, छोटा सा कॉर्ड लेंगे जितना रिक्वायरमेंट है, दोनों पॉइंट लेंगे, इसको मेल्ट कर इस तरह से चिपका लेंगे। अब ये कॉर्ड चिपक गया, ऊपर का कॉर्ड लेंगे, फिर से फर्स्ट कॉर्ड लेकर के ऊपर बाहर, एक बार अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर और फिर बाहर की तरफ करके ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ के फर्स्ट कॉर्ड में हम यहाँ पे मोती लगा लेंगे,
सारे कॉर्ड को ऐसे ही हम पाइप इन कर लेंगे। ये भी कॉर्ड छोटा पड़ गया है, इसमें भी हम कॉर्ड अटैच कर लेंगे। इस तरह से ये डिजाइन बन गया। अब कॉर्ड कट करके और उसको स्टिक करने की बारी आती है। तो कॉर्ड को हम कैसे कट करेंगे, स्टिक करना कैसे है, इस तरह से बिल्कुल इतना इतना तक छोड़ना है हमको कॉर्ड को, जिससे कि हम स्टिक करें तो ये चिपक जाए। और बैक साइड ले जाएंगे पहले कॉर्ड के, अच्छे से इसको मेल्ट करेंगे, टर्न करके ऐसे चिपका देंगे। हाथ बचा के आप स्पून से भी कर सकते हैं इसको, या सीजर ले लें या फिर लाइटर के कोने से। मेल्ट कर लेना है। इस तरह से ये स्टिक हो गया। तो स्टिक करना है हमको, इतने दूर पे काटना है और बैक साइड लेकर इसको स्टिक कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, अब एक और नॉट, एक और डिजाइन आप देख लीजिए पैटर्न, जिसमें हम फ्लावर बनाते हैं गोल घुमा हुआ वाला। उसके लिए हमको सिंपल स्क्वायर नॉट 4 या 5 टाइम सिंपल स्क्वायर नॉट लगाना होता है। उसके लिए 4 कॉर्ड चाहिए होता है। और इस तरह से सिंपल स्क्वायर नॉट दाएं के ऊपर से बाएं को निकालेंगे, फिर बाएं के ऊपर से दाएं को। ये एक बार हो गया, इसी तरह से हम 4 बार लगा लेंगे। फाइव टाइम्स 1 2 3 4 5 6 जितना टाइम्स आपसे कहा जाए यहाँ नॉट लगाने के लिए उतना हम नॉट लगाएंगे। अब बीच का जो 2 कॉर्ड है इसके पॉइंट को लेंगे, स्टार्ट एंडिंग पॉइंट को, और इसको हम यहाँ पे 4 कॉर्ड का आपको दिख रहा है इसके बीच में ऐसे जगह बनाएंगे। और ये वाले होल से हम दोनों कॉर्ड को बैक साइड ले जाएंगे और दोनों कॉर्ड को ऐसे खींचेंगे। ये आप देख रहे हैं गोल हो रहा है, फिर दूसरे कॉर्ड को भी हम ऐसे ही खींच लेंगे, दोनों कॉर्ड को साथ खींचेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ जिस कॉर्ड से हम नॉट बना रहे थे वो कॉर्ड दोनों तरफ यहाँ पे है। अब इससे हम यहाँ पर नॉट लगा करके और इसको फिक्स कर लेंगे सिंपल स्क्वायर नॉट।
दाएं कॉर्ड को बाएं कॉर्ड के ऊपर और बाएं कॉर्ड को दाएं कॉर्ड के ऊपर। इसको अब बीच वाले दोनों कॉर्ड को खींच लेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह का फ्लावर बन जाएगा और ये इस तरह का फ्लावर शेप का डिजाइन। अब यहाँ पे स्पाइरल मूव्स लगाना है। स्पाइरल मूव्स के लिए 4 कॉर्ड लगता है, दो स्पाइरल मूव्स हम लगाएंगे यहाँ पे स्पाइरल के लिए। स्पाइरल मीन्स गोल गोल घुमा हुआ, जैसे नॉट एक तरफ होता है तो ये ऐसे गोल 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 घुमा रहेगा। तो उसके लिए साइड साइड का 2 कॉर्ड लेंगे, दाएं वाले कॉर्ड ये जो बाएं तरफ जो कॉर्ड है उसके ऊपर इस तरह से हम दाएं वाले कॉर्ड को रख के और अंदर से निकालेंगे। अब इसी कॉर्ड को हम ऐसे ही करते करते तो ये आप देख रहे हैं हल्का तिरछा हो रहा है, फिर एक ही डायरेक्शन में रहेगा। फिर दाएं कॉर्ड के ऊपर ही हम बाएं कॉर्ड को, फिर बाएं कॉर्ड के ऊपर ही हम दाएं कॉर्ड को निकालेंगे। ये देखिए घूम रहा है, एक ही तरफ करेंगे बस, इधर ही देख रहे हैं आप, बस बाएं तरफ का मैं कॉर्ड ले रही हूं। खींच लिए, अब यहां पर ये देखिए ऊपर की तरफ करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब इस कॉर्ड को नहीं, अब इधर ये वाले कॉर्ड को लेंगे, बस एक तरफ के ही कॉर्ड को हम बाएं तरफ के कॉर्ड को ही हम बस गोल गोल घुमा रहे हैं। ये ऐसे हो जाएगा, इसको इधर करेंगे, इस कॉर्ड को इधर निकालेंगे, बीच का 2 कॉर्ड लेकर के ऊपर की तरफ प्रेस कर देंगे। ये देखिए ये गोल गोल घूम गया, अब फिर इधर का ही कॉर्ड लेंगे, ऐसा नहीं कि ये कॉर्ड, इधर का कॉर्ड को लेंगे। इस तरह से ये हो गया। अब अगर आपको इसको स्टिक करना है स्टिक करिए, बेल्स लगाना है बेल्स लगाइए, या जैसा डिजाइन आपके प्रोजेक्ट में कहा गया है उसको आप करिए। मैं इसको चिपका लेती हूँ। इस तरह से ये स्पाइरल मूव्स बनकर तैयार है फ्रेंड्स। अब एक चीज और आप देख लीजिए, बेसिक चीज में डिजाइन को छोटे से बड़े में ऐसे तिरछा कट करना। तिरछा में कट करने के लिए सबसे पहले हमको जो सबसे मान लीजिए आप ऐसे कट कर रहे हैं तो यहाँ का जो पॉइंट है पहले हमको उसको कट करना है, उसी के हिसाब से हम यहाँ के कॉर्ड को हम डिसाइड करेंगे कि कितना लेंथ होगा। जैसे इस कॉर्ड को हमको ऐसे कट करना है तो पहले हम यहाँ का जो कॉर्ड है इसका एक लेंथ डिसाइड करेंगे। अब इसके ऊपर का 2 कॉर्ड लेंगे या 1 कॉर्ड जैसा कहा जाएगा आपको करने के लिए बेल्स लगाने के लिए। बिल्कुल ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा एकदम जरा सा डिस्टेंस यहां देंगे, देखिए फिर 2 कॉर्ड लेंगे इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल जरा सा डिस्टेंस देंगे। ये आप अंदाजे से भी काट सकते हैं पर मुझे आपको बताना है बिल्कुल क्लियरली, इसलिए मैं ऐसे काट रही हूं। तो यहाँ पे देखिए जो आपको प्रोजेक्ट में कहा जाता है कि तिरछे में काटना है तो ये तिरछे में कटिंग इस तरह से होती है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने आपको फर्स्टली कॉर्ड को कैसे ज्वाइंट करना है वो बताया है, फिर एक कॉर्ड के ऊपर
साड़ी कॉर्ड को कैसे अटैच करना है वो बताया है। सेकेंड थर्ड नंबर मैंने बताया सिंपल स्क्वायर नॉट कैसे लगाना है। फोर्थ बीट्स के साथ नॉट कैसे लगाना है। फिफ्थ स्टेप है बेल्स कैसे लगाना। सिक्स्थ स्टेप था पाइपिंग करना। सेवेंथ स्टेप था फ्लावर पाइपिंग करना। एट्थ स्टेप था इस तरह का फ्लावर डिजाइन बनाना। नाइन्थ स्टेप था स्पाइरल मूव्स लगाना। और टेंथ स्टेप था इसको तिरछे में कैसे हमको कटिंग करना है कॉर्ड को वो। तो इस तरह से मैंने आपको 10 एडवांस्ड मैक्रम नॉट बताया है जो बिगनर्स हैं और जो बेसिक सीखना चाहते हैं उनके लिए है। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे कमेंट करते हैं कि हमें बिल्कुल भी मैक्रम बनाना नहीं आता है, तो उसका बेसिक हमें बताइए। इसलिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। जो लोग नए हैं या फिर जो लोग पुराने हैं जिन्हें आता है वो भी इस वीडियो को देख करके फिनिशिंग कैसे लानी है, टाइट से कैसे बनाना है डिजाइन को, वो मैंने अच्छे से इसमें गाइड किया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये मैंने एक कोशिश की है कि आप जो लोग बिगनर्स हैं उन्हें अच्छे से मैक्रम के बारे में समझ में आए, मैक्रम कैसे कॉर्ड को काटना है, कैसे उसको अटैच करना है, जोड़ना है, बीट्स फंसाना है, बेल्स लगाना, फिर पाइपिंग करना, फिर इस तरह वाला डिजाइन अभी बहुत चला हुआ है तो ये ऐसा डिजाइन बनाना, फिर ये वाला फ्लावर डिजाइन भी बनाना बहुत अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट में देखने को मिलता है। और स्पाइरल तो ये तो बेसिक है ही। तो इस तरह से सारा मैंने बिल्कुल एक बेसिक चीज जो होती है मैक्रम बनाने में वो मैंने कोशिश की है कि उसको मैं सिखा सकूं अच्छे से। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो यूजफुल लगे और आप अगर इससे कुछ सीख पाए तो फ्रेंड्स जरूर मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे। टेक केयर एंड बाय बाय।